सो हेलो फ्री फायर गेमर्स, वेलकम बैक अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल एमजी गेमर्स। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले अपने नेक्स्ट टॉप इवेंट के बारे में। उसी के साथ साथ हमने इस वीडियो में रखा हुआ है गिववे, तो गिववे का रूल आगे आप लोग को वीडियो में बताया है, तो वीडियो को मेरे भाई बस लास्ट तक देखते रहना। तो चलिए यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरे भाई, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो सिंपली यार चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पर सेट जरूर कर लेना, और उसी के साथ साथ इस वीडियो को प्यारा सा लाइक दे देना। सो गाइस यार, जैसा कि आप लोग को पता होगा इस टाइम हमारे गेम के अंदर चल रहा है एक टॉप इवेंट, जहाँ यार हम लोग को रॉकी पेट प्रोवाइड कराया जा रहा है, जिसकी इन्फॉर्मेशन मैंने अपने पिछली नेक्स्ट टॉप इवेंट वाली वीडियो में आप लोग को देखे रखी थी। और वहां पे मैंने बोला था कि आप लोग को एक रॉकी पेट, उसकी एक स्किन, साथ ही साथ उसका एक इमोट आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो गाइस यार हमारे सर्वर में हम लोग को जो रॉकी पेट है 200 डायमंड के टॉप अप पर, 300 डायमंड के टॉप अप पर उसका इमोट, और उसी के साथ साथ 500 डायमंड के टॉप अप पर उसकी स्किन प्रोवाइड कराई जा रही है। और गाइस यार ये जो टॉप इवेंट है हमारा 17 नवंबर को खत्म हो जाएगा, तो 18 नवंबर को हम लोग को गेम के अंदर कौन सा नया टॉप इवेंट देखने को मिलेगा उसे कि आप लोग को डिटेल से इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में देने वाला हूँ। और मेरे भाई उसी के साथ साथ और भी कुछ इवेंट है, उसके बारे में आप लोग को मैं पूरी डिटेल के साथ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। बेसिकली मैजिक क्यूब हो गया, उससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं, तो उसकी भी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में कवर। सो गाइस यार सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर लेते हैं फ्री के मैजिक क्यूब के बारे में। जैसे कि यार मैंने पिछली वीडियो में आप लोग को बोला कि भाई 14 नवंबर को आप लोग को मैजिक क्यूब देखने को नहीं मिलेगा, उसमें यार थंबनेल में और टाइटल में मैंने डाला था, वो भाई आप लोग को सिर्फ एक तरीके से अट्रैक्ट करने के लिए मैंने बोला था, जिससे यार आप लोग आओ वीडियो देखो और अलर्ट हो सको। अलर्ट में इसलिए करना चाहता था क्योंकि यार आप लोग को गरेना के सर्वर के बारे में पता है, आए दिन यार ये डाउन होता रहता है, क्रैश होता रहता है, इसी वजह से मैं आप लोग को उस वीडियो के माध्यम से सिर्फ इतना इन्फॉर्म करना चाहता था, इतना अलर्ट करना चाहता कि भाई अगर आप लोग को फ्री का मैजिक क्यूब चाहिए तो 14 तारीख को आप लोग सुबह जल्दी उठ जाना यार, जिससे आप लोग क्लेम कर सको। क्योंकि मैं यार पहले से ही आप लोग को बता दे रहा हूँ 14 तारीख को आप लोग को सर्वर देख लोगे यहाँ पे बैठ जाएगा, पूरा का पूरा क्रैश हो जाएगा। तो आप लोगों के लिए वो वीडियो मैं इसी वजह से बनाया हूँ मेरे भाई, सिर्फ मेरा उसका एक ही मोटिव है कि आप लोग अलर्ट हो जाओ और जाके पहले से ही मैजिक क्यूब क्लेम कर लो। वहाँ पे बहुत लोग बोल रहे हैं फेक वीडियो झूठ है, भाई मैंने थंबनेल और टाइटल मैंने फेक यूज किया है, गलत यूज किया है, लेकिन वो सिर्फ आप लोगों के लिए अट्रैक्ट करने के लिए और अलर्ट करने के लिए। क्योंकि यार अगर वैसे मैं बोल देता कि हाँ नहीं मिले मतलब मिलेगा, तो ऐसे में सब लोगों को पता है कि हाँ मिलेगा, लेकिन भाई एक दो उस दिन मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। वैसे अगर मैं नॉर्मली थंबनेल बनाता तो आप लोग नहीं आते देखने, ठीक है, उसमें यार मैंने बोला कि नहीं मिलेगा तो अभी आप लोग आए हो, तो इसी वजह से मैं बनाया कि आप लोग अट्रैक्ट हो और अलर्ट हो। भाई मेरा मतलब मेन रीज़न है, मेन मोटिव जो है अलर्ट हो जाओ बस, जिससे यार पहले से जो फ्री के आइटम है ले लो, और कोई बात नहीं है भाई। मैं खुद चाहता हूँ कि हाँ हर एक बंदे को मिले, मैं नहीं चाहता हूँ कि यार किसी को ना मिले, मैं पूरी कोशिश भी करूँगा कि हर बंदे को यहाँ पर दिलाऊँ। जो मेरी बात को समझ रहे होंगे यार वो वीडियो को लाइक करके जाएंगे, और जो नहीं समझेगा भाई वो डिसलाइक करेंगे, कोई बात नहीं यार आप डिसलाइक करो। 14 नवंबर को आप लोग को खुद ही पता चल जाएगा कि यार मैं सही बोल रहा था झूठ बोल रहा था, और तब आप लोग फिर अफसोस करोगे कि हाँ भाई मैंने उसकी बात मान ली होती, सुन ली होती, तो आज मैं भी फ्री का मैजिक क्यूब आराम से क्लेम कर लेता, कोई दिक्कत ना होती। फ्री मैजिक क्यूब सबको मिलेगा, लेकिन भाई कोई आराम से भी उसको क्लेम कर सकता है बिना कोई प्रॉब्लम के, और कोई उसको क्लेम करेगा बहुत ढेर सारी प्रॉब्लम को फेस करके। तो आपके चॉइस है आप कैसे करना चाहते हो, बिना किसी प्रॉब्लम के या फिर बहुत ढेर सारी प्रॉब्लम फेस करके। तो चलिए यार ये हो गया हमारा फ्री मैजिक क्यूब के बारे में। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं अपने गिववे के बारे में। जैसा कि यार मैंने इस वीडियो पर गिववे रखा हुआ है, तो उसमें यार ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को करना क्या है, इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक देना है, मेरे भाई चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पर सेट करना है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी गेम की यूआईडी कमेंट कर देना है। और गाइस यार इसी के साथ साथ हम अपकमिंग और भी बहुत ढेर सारे गिववे लाने वाले हैं, जहाँ से हम लोग रिडीम कोड वगैरह का गिववे देंगे अपनी वीडियो के बीच में, तो वीडियो आप लोग पूरा देखते रहो कंटिन्यू और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लो। तो गाइस यार चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने नंबर वन टॉप इवेंट के बारे में। सो गाइस यार जो हमारा नंबर वन का टॉप इवेंट निकल के आ रहा है, ये आ रहा है यहाँ पे हमारे शानदार सा ग्लूवॉल की स्किन का टॉप इवेंट। जैसा कि यार आप लोगों को पता होगा ये ग्लूवॉल की स्किन की इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को पिछली टॉप इवेंट की वाली वीडियो में बताया था, और वहाँ पे बताया था कि रॉकी पेट भी आप लोग को देखने को मिलेगा या फिर ग्लूवॉल की स्किन देखने को मिलेगी। तो रॉकी पेट तो आ चुका है भाई, लेकिन इस बार अब जो सबसे ज़्यादा चांस मेरे भाई बन रहे हैं वो है हमारा यहाँ पे ग्लूवॉल की स्किन का टॉप इवेंट। क्योंकि यार ये जो ग्लूवॉल की स्किन है ये हमारे अपकमिंग इनक्यूबेटर की थीम पर बेस्ड है। जैसा कि यार आप लोगों को पता होगा ज़्यादा टाइम नहीं बचा है मेरे भाई, 4 या 5 दिन या फिर 1 हफ्ते के अंदर हमारा जो इंक्यूबेटर है एक्सीमेट का वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद यार हम लोग को गेम के अंदर एक नया इंक्यूबेटर देखने को मिल जाएगा, जो कि यार हमारा कॉस्ट्यूम का इंक्यूबेटर रहेगा, और वो हमारा पूरा का पूरा इसी थीम पर बेस्ड है। जैसे कि हमारी ग्लूवॉल की स्किन देखने को मिल रही है, सेम इसी के तरीके यार हमारा उस इंक्यूबेटर का टॉप वाला बंडल होने वाला है।
तो यार इनक्यूबेटर को देखते हुए इसके काफ़ी ज़्यादा चांस बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा लीक निकल के आ रही हैं कि हम लोग को नेक्स्ट टॉपअप इवेंट के अंदर ये शानदार से ग्लू वॉल की स्किन देखने को मिल सकती है। और बात कर ले कितने डायमंड के टॉपअप पर आ सकते हैं मेरे भाई, तो आप लोग को 300 से लेकर 500 डायमंड के टॉपअप पर देखने को मिल सकती है, इसके काफ़ी ज़्यादा हाई चांस बन रहे हैं। आप लोग को क्या लगता है कितने डायमंड पर आ सकता है ये नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ग्लू वॉल की स्किन आप लोग को कैसे लगी ये भी मेरे को बहुत ही जल्दी नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। मेरे को तो भाई बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी है, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है, इसलिए यार मेरे को तो काफ़ी ज़्यादा ओपी लगी, क्योंकि इसका जो कलर कॉम्बिनेशन इन लोगों ने दिया है ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। इसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते अपने नेक्स्ट टॉपअप इवेंट के, जो सेकंड नंबर पे टॉपअप इवेंट निकल के आ रहा है जिसके चांस बन रहे उसके बारे में। तो गाइस यार जो हमारा सेकंड नंबर का टॉपअप इवेंट है वो हमारा यहाँ पे ब्लूप्रिंट का टॉपअप इवेंट, जैसे कि यार आप लोगों को पता होगा हमारे गेम के अंदर जितने भी इंक्यूबेटर आते हैं बेसिकली यार हर एक इंक्यूबेटर का हम लोग को टॉपअप इवेंट देखने को मिल जाता है। अभी एक्समेट का आया था, इसके पहले स्पिटेड ओवरसीज का आया था, उसके पहले यार हमारा एक जो रिटर्न इंक्यूबेटर आया था उसका भी हम लोग को टॉपअप इवेंट देखने को मिल चुका था, जो कि यार हमारा था यूनिकॉर्न एके का। सेम उसी के तरीके यार अभी हमारा ब्लड मून का इंक्यूबेटर आया हुआ है वापस, तो ब्लड मून वाले इंक्यूबेटर का टॉपअप इवेंट आने के काफ़ी ज़्यादा चांस बन रहे हैं, या फिर बोल सकते हैं जो हमारा नया इंक्यूबेटर आएगा उसके भी बहुत ही ज़्यादा चांद बनने हैं कि हम लोग को उसके ब्लूप्रिंट का टॉपअप इवेंट देखने को मिल सकता है। तो आप लोगों का ये काम है कि भाई मेरे को बताओ कि ब्लड मून वाले इंक्यूबेटर का टॉपअप इवेंट आएगा या फिर जो न्यू वाले इंक्यूबेटर का टॉपअप इवेंट आ सकता है, कौन सा आ सकता है नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना मत भूलना। इसके साथ साथ चलिए बढ़ लेते अपने थर्ड नंबर के टॉपअप इवेंट की तरफ। सो गाइस यार इसी के साथ साथ जो हमारा अगला टॉपअप इवेंट निकल के आ रहा है वहाँ पे हम लोग को एक शानदार सी बैकपैक का टॉपअप इवेंट देखने को मिल सकता है हमारे अपकमिंग नेक्स्ट टॉपअप इवेंट के अंदर। और अगर बात करें कितने डायमंड के टॉपअप इवेंट पे आ सकता है गाइस, तो ये हम लोग को 300 से लेकर 500 डायमंड के टॉपअप पर ये शानदार सी बैकपैक का स्किन का टॉपअप इवेंट देखने को मिल सकता है। क्योंकि यार अदर शोरों की बात करें तो वहाँ पे हम लोग को टॉपअप इवेंट के अंदर ये प्रोवाइड कराया जा चुका है, तो हमारे इन शोरों में भी इसके आने के काफ़ी ज़्यादा चांस बढ़ रहे हैं। और ये बैग काफ़ी ज़्यादा मतलब डिफरेंट शेप का है, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है और हमारा हेलोवीन इवेंट की थीम पर बेस्ड है, क्योंकि यार हमारे अदर शोरों में हेलोवीन इवेंट आया था, तो हेलोवीन इवेंट से रिलेटेड यार हमारा सिर्फ अभी यहाँ पे रॉकी पेड का एक स्किन आया हुआ है, तो इसके भी आने के काफ़ी ज़्यादा चांस बढ़ने। आप लोग को क्या लगता है ये टॉपअप इवेंट के अंदर आ सकता है कि नहीं आ सकता है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताइएगा। और इसी के साथ साथ जो हमारा एक और टॉपअप इवेंट निकल के आ रहा है वो भी हमारा यार हेलोवीन इवेंट की थीम पर बेस्ड है, जहाँ पे हम लोग को एक शानदार सी पैन की स्किन का टॉपअप इवेंट देखने को मिल सकता है, जिसकी यार इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोग को काफ़ी टाइम पहले दे रखी थी। और देख सकते हो यार ये हमारा पूरा का पूरा हेलोवीन इवेंट की थीम पर बेस्ड है, हमारे अदर शोरों में ये टॉपअप इवेंट के अंदर प्रोवाइड कराया जा चुका है, तो हमारे इंडियन शोरों में भी इसके आने के काफ़ी ज़्यादा चांस बन रहे हैं। अगर बात कर ले कितने डायमंड के टॉपअप पर आ सकता है मेरे भाई, तो 200 या 300 डायमंड के टॉपअप पर हम लोग को ये देखने को मिल सकता है। और ये बात कर ले भाई पैन की स्किन लेजेंडरी है कि नहीं लेजेंडरी है, तो भाई मेरे को जहाँ तक लगता है देखकर कि भाई लेजेंडरी हो सकती है, और लीक जो निकल के आ रही है उसके अकॉर्ड लेजेंडरी देखने को मिल सकती है, लेकिन भाई अब जब आएगा तभी यार ये कन्फर्म हो जाएगा कि ये लेजेंडरी है कि नहीं है। तो यार आप लोग को ये पैन की स्किन कैसी लग रही है, कितने डायमंड के टॉपअप पर आ सकता है नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना मत भूलना। तो मेरे पास और भी अपकमिंग टॉप इवेंट की इन्फॉर्मेशन है, जो कि यार मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा, और इस वीडियो पर गिव अवे चल रहा है मेरे भाई, तो गिव अवे में पार्टिसिपेट कर लो, जाओ नीचे कमेंट सेक्शन में अपना जो गेम का आईडी है वो कमेंट कर दो, और उसके बाद हम रैंडम कमेंट पिकर से जो भी विनर होगा उसको हम वहाँ पर प्राइज़ दे देंगे, और इस जो हम प्राइज़ का वीडियो रहेगा वो अपनी स्टोरी में आप लोग को अपलोड करके मैं डाल दूंगा, आप लोग वहाँ पर जाकर चेक कर लेना कौन विनर हुआ है। तो चलिए फिर बाय बाय, मिलते हैं बिल्कुल नए वीडियो के साथ।